हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्निकल बाय संदीप। दोस्तों, ये बाइक है टीवीएस स्टार। वैसे तो पैनल पर आप देखेंगे तो टीवीएस स्टार है, लेकिन ये सेंट्रा की मतलब इंजन की तरह है। जिस तरह सेंट्रा बाइक में होती है, सेम वही सिस्टम इसमें भी है। आपको सबसे पहले बता दें, अगर मान लीजिए बाई चांस अगर निकल भी गई लॉक, तो आप मतलब गियर निकल जाएगी तो आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि इस शाफ्ट का गियर इस शाफ्ट में नहीं जाएगा और इस शाफ्ट का गियर इस शाफ्ट का गियर इस शाफ्ट में नहीं आएगा, ठीक है। उसका साफ हम आपको बता दें, यहाँ पे आपको मिलेगी दो गियर, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये जाएगी तो बिल्कुल फ्री जा रही है, ये भी बिल्कुल फ्री जाएगी, ठीक है। इतना पले है, ठीक है। और ये वाला देखेंगे तो ये इतना पले है, मतलब ये वाला फिक्स आ जाएगा। अब हम आपको बता रहे हैं, इसमें आपको मिलेंगे तीन वाशर। हालांकि वाशर के सिस्टम इसमें क्या है, कोई सा भी बाइक हो जिसके गियर जिसमें ये डॉग गियर जहाँ पर रहेगी वहाँ पे कोई वाशर नहीं लगेगी, केवल लाख लगी रहती है। ऐसे इधर भी लाख है और इधर भी लाख रहेगी, बीच में इसके बीच में कोई वाशर नहीं रहेगा, ठीक है। लाख के पीछे वाशर है और इस लाख के आगे वाशर रहेगी, ठीक। इसी प्रकार इसमें भी है, लाख के पीछे कोई वाशर नहीं है और इस लाख के आगे कोई वाशर नहीं है, क्योंकि ये डॉग गियर है, एक आगे पीछे मूव करती है। जब ये मूव करेगी इसमें वाशर रहेगी तो दिक्कत कर देगी, ठीक है। तो इसको हम रखते हैं साइड में, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें वाशर भी तीन है, तो ये दो वाशर बड़ी है और ये वाशर छोटी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले इसको इंस्टॉल करते हैं। गियर है डॉग गियर के पीछे, ये टीथ वाली गियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली इसमें फिट कर जाएगी। उससे पहले हमने क्या बताया, इस लॉक के आगे एक वार्सल होनी चाहिए, तो इस वार्सल को इसमें डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद इस गियर को इसमें लगा देंगे, फिर इसके पीछे एक वार्सल आएगी, फिर इसके पास एक गियर, एक गियर किसी भी साइड लग सकती है, इस साइड भी या इस साइड भी, ठीक है। इसको हम ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब इस पर भी एक वार्सल लेंगे, ठीक है। इधर से वार्सल डाल देंगे, इधर कोई वार्सल नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो शाफ्ट में ही वार्सल का काम करती है, शाफ्ट में होती है, ठीक है। इसका काम हो गया। अब इसमें क्या, एक लॉक है, लॉक के बाद एक वार्सल इसमें डाल देंगे, वार्सल के बाद एक जो इसमें जो गड्ढे बने हैं और इसमें पोल बने हुए, थ्री पोल है इसमें, ठीक है। तो ये थ्री पोल इसमें कनेक्ट होंगे, तो ये इस ये जो गड्ढे हैं अंदर साइड रहेगी, ठीक है। अब ऐसे डाल सकते हैं, ठीक। अब हम आगे वीडियो में बताएंगे ये कौन कौन सी जगह लगेगी, कैसे लगेगी। मान लीजिए भूल गए तो पहचानने की सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए आते हैं चैम्बर पे, फिर आगे दिखाते हैं। अब देखिए, अब बारी आती है गियर लगाने की। वैसे इसको पकड़ लेंगे, ये जो आउटपुट शाफ्ट है वो नीचे रहेगी, इनपुट शाफ्ट ऊपर, क्योंकि हमने आउटपुट मैग्नेट वाली चैम्बर में इसको लगा रहे हैं। तो इसको इसमें जब बिठा देंगे इसको, तो ये दोनों लेवल हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये ऐसे नहीं चल रही क्योंकि इसमें गियर न्यूट्रल नहीं है, इसलिए चल नहीं रही, ठीक है। तो जब इसमें क्या लगता है, जब ये इसको जब लगाएंगे तब ये हमारी गियर न्यूट्रल में करके उठा लेगी, ठीक है। तो इसको हम इस पर लगाते हैं, ठीक है, हो गई। अब बारी आती है इसको, पहले इसको ऑयलिंग कर लेते हैं। ऑयलिंग अब देखिए, इसमें मिलेगी आपको दो तरह से। देखिए, ये देखने में आपको बड़ी लग रही है, ये देखने में छोटी लग रही है, ठीक है। ये जो छोटी वाली है ये इनपुट शाफ्ट में लगती है, बड़ी वाली है आउटपुट शाफ्ट में। काफ़ी बाइकों में देखी गई है कि छोटी वाली हमेशा इनपुट शाफ्ट में लगती है, बड़ी वाली आउटपुट शाफ्ट में लगती है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई आउटपुट शाफ्ट, ये हो गई हमारी इनपुट शाफ्ट। तो हम इस छोटी वाली को इनपुट शाफ्ट में लगाएंगे, तो आप जैसे डिस्कवर में देखेंगे दोनों साइड इस तरह का पिन होती है, लेकिन इसमें सिंगल साइड है, तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं ये साइड इसके तरफ रहेगी। उसके लिए इसमें क्या होगी, एक बूस लगेगी, तो इस बूस को इसमें लगा देते हैं। अब इसको पहले इसमें फिटिंग करते हैं, तो भी इसमें एक बूस लगेगा, इसे ऐसे बूस लगा लेंगे इसको, और उसके बाद से इसको भी डॉग गियर के फंसा डॉग गियर में फंसा देंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद से इसको हम न्यूट्रल की दिशा में रख देंगे, चाहे कहीं भी रख दो कोई मतलब नहीं है, ये बाद में अपनी एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसको हल्की से उठा के इसमें लगा देंगे, जो इसमें खांचे बनी होती है। अब उसके बाद इस ये जो रॉड है, इस रॉड को ऐसे उठा के बैठ गई, फिर इसको भी हल्के से उठाकर इसको भी बैठा देंगे, ठीक है। अब हमारी बाइक देखिए, इस समय न्यूट्रल हो गई, ये वाली शाफ्ट हमने पकड़ रखी है, इस समय न्यूट्रल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, गियर लगाते हैं, एक दो
अभी ना अभी ना हाँ नंबर में हो गई तीन दो एक। देखिए मूव कर रही है यहाँ पे, हो गई हमारे न्यूटन। ठीक है चलिए इसका काम तो हो गया। अब इसमें हम डालते हैं किक को, किक को बैठाने समय ऐसे करके इसमें देख लेंगे कि इसमें आवाज़ तो नहीं आ रही। देखिए हल्की सी आवाज़ है, देखिए आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे जब ये लगेगी इसमें ऊपर से जब स्प्रिंग और इसकी जो टाइमिंग वाली जो क्लिप होती है वो लगेगी कि आवाज़ ख़त्म कर देगी। ठीक है देखिए हमारी क्लिप मूव कर रही है। अब बारी आती है क्रैंक की। तो हम इसमें क्रैंक फिट करेंगे, ठीक है हमारी क्रैंक फिट हो गई। अब इस पे हम इस चैम्बर पे पैकिंग लगा लेते हैं, पैकिंग और सलाख लगा लेते हैं, फिर आगे दिखाते हैं। इधर दिखाओ। सबसे बड़ी बात होती है इंजन तो बांध देते हैं, हम ये नहीं समझते हैं कि आयल कहाँ से जाती है कहाँ से नहीं जाती है। उसके लिए हम इसमें कुछ क्लिप आपको दिखा दें। आप सबसे पहले आप इसमें दिखाओ, इसमें यहाँ पर आप एक देख ये होल देख सकते हैं वाली, यहाँ पे जाली जाली लगती है, जाली से यहाँ से मोबिल फिल्टर होके इसमें आती है गरारी में। ठीक है सलाख पैकिंग लगाओ, इसमें आती है। ठीक है अब यहाँ से क्या करती है, जब पंप चलती है ऐसे तो इसमें मोबिल देती है, यहाँ पर एक होल देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है अब इस होल से ये जो पैकिंग ऊपर लगी होती है, इस पर जो क्लच की पैकिंग होती है वह लगी होती है, यहाँ से हमारी मोबिल क्या करती है प्रेशराइज होकर यहाँ पे आती है। ठीक है यहाँ पे अभी आप एक होल देखेंगे, ये होल सीधा कनेक्ट हो जाती है हमारी मेन बैरिंग पे, जो क्रैंक की बैरिंग है उस पे चली जाती है। ठीक है बजाज में देखे होंगे कि इसमें इस इधर दिखाओ, बजाज में यहाँ से अब मोबिल जाती है, लेकिन इसमें यहाँ से जाती है, साइड से जाती है। ठीक है यहाँ से चली गई। अब बात रही कि हमारी हेड पर मोबिल कैसे चढ़ती है, तो आप यहाँ पर दिखाओ थोड़ा सा, यहाँ पे आप होल शायद नहीं नज़र आ रहा, तो हम इसको पलट के दिखा दे रहे हैं। उठाओ मोबाइल, यहाँ पे जो होल देख रहे हैं ये होल दोनों आर पार है, तो जब यहाँ पे मोबिल आती है तो ये मोबिल इसको चढ़ाती है ऊपर, तो यहाँ से हमारी मोबिल हेड तक जाती है। ठीक है तो इस तरह हमारी मोबिल चढ़ती है। कभी क्या होती है कि जैसे कि मोबिल नहीं चढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि पंप ही ख़राब हो, इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारी पैकिंग कहीं से लीकेज कर रही हो, जिससे हमारी मोबिल हेड तक नहीं जा पा रही है, साइड से गिर जा रही है। ठीक है तो चलिए हम पैकिंग लगा कर पहले इसका ये कवर इसको लगा लेते हैं, फिर आगे दिखाते हैं।